an important contract of islamic financial jurisprudence is a contract of agency which is known in arabic as akdul waqala. what is agency? what is akdul waqala? and from where its proof and legitimacy is established? in this presentation we will explain this issue. एजेंसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच ए परसन अपॉइंट एन अदर पर्सन टू परफॉर्म सर्टन एक्ट ऑन हिज बिहाफ बाई हिज अथोराइजेशन एजेंसी परमिजल एक्ट्स में होती है जैसे कि एजेंसी टू सेल एजेंसी टू परचेज एक शख्स को आप अपना एजेंट बनाते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल करे एक शख्स को आप अपना एजेंट बनाते हैं कि आपके लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदे मकान या कोई जमीन एक शख्स को आप अपना एजेंट बनाते हैं लिटिगेशन के लिए कि वो आपकी तरफ से अदालत में पेश हो और वो लिटिगेशन में आपकी तरफ से इन्वॉल्व हो या कि वो हिस्सा ले इसको हम कहते हैं कि ये एजेंसी है फॉर दर्पज ऑफ लिटिगेशन इसी तरीके से एजेंसी फॉर मैरिज भी हो सकती है एजेंसी फॉर डाइवोर्स भी हो सकती है जैसे हम आम तौर पर देखते हैं निकाहनामे में कि ये दूल्हे का वकील है ये दुल्हन का वकील है डाइवोर्स में भी एजेंसी हो सकती है यानी गर्ज है कि जो परमिसिबल एक्ट्स के विचार विच में परफॉर्म बाई द प्रिंसिपल हिमसेल्फ दे मे बी डेलीगेटेड टू अनदर पर्सन टू परफॉर्म ऑन हिज बिहाफ जो शख्स किसी को कोई काम डेलीगेट करता है यूएफ एजेंसी उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं और जिस शख्स को काम डेलीगेट किया जाता है उसे हम एजेंट या के हम उसे वकील कहते हैं एजेंसी का जो सबूत है वो हमें मुताद अहादीस में मिलता है जनाब रिसाल सल्लास ने हज़रत बारकी रजी अल्लाह तु को अपना एजेंट टू परचेज मुकर्र किया आपने उन्हें एक दीनार दिया और ये कहा कि मेरे लिए एक बकरी खरीद के लाओ तो ये गोया के एजेंसी फॉर परचेज थी हज़रत और दीनार उस दीनार से उन्होंने दो बकरियाँ खरीदी और फिर उसके बाद मार्किट ही में एक बकरी एक दीनार पे फरोख्त की और नबी नबी अक्रमल्लम के पास हाजिर हुए और उन्हें एक दीनार भी दे दिया और साथ ही बकरी भी दी नबी स्रांज़ैक्शन पे बहुत खुश हुए तो आपने उन्हें कहा कि बारक अल्लाउ फ़ी सफ़त फ़ी सफ़त यमीन के मे अल्लाह ब्लेस यूर ट्रांजेक्शन इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एजेंसी का कॉन्ट्रेक्ट है वो एक परमिजबल कॉन्ट्रेक्ट है इसी तरीके से हजरत अली रजी तौर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजेंट के तौर पर जो क़ुरबान शुदा जानवर थे जिबा किए हुए जानवर थे उनकी खालें मस्तकिन में तकसीम की नबी सर रसम की हिदायत पे तो ये भी एक किस्म की एजेंसी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थी एजेंसी के हवाले से जो जरूरी अहकाम है उनमें जो पहली चीज है वो ये है कि एजेंसी हर परमिजिबल चीज में लॉफुल चीज में ही हो सकती है अनलॉफुल चीजों में या कि जो एक्ट्स ऑफ डिसोबीडियंस हैं उनमें एजेंसी नहीं हो सकती मसलन किसी शख्स को आप सेल परचेज हायरिंग बेलमेंट मैरिज डिवोर्स, लिटिगेशन इन कामों के लिए तो आप एजेंसी कर सकते हैं या किसी को अपना एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं लेकिन जो एक्ट ऑफ सिन है एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस हैं या के कोई नाजायज काम है इलीगल काम है उसके लिए आप किसी को अपना एजेंट नहीं बना सकते क्या आप ये कहेंगे कि, कि तुम तो मेरे एजेंट के तौर पर फलाने की प्रॉपर्टी को गसब करो या के चोरी करो या इसी तरह इस तरह की कोई चीज जो है तो अनलॉफुल चीजों में एजेंसी नहीं हो सकती इसमें जो एक और अहम बात है वो ये है कि प्रिंसिपल शुड हैव कैपेसिटी टू दैट एक्ट यानी इसका मतलब है कि खुद उसकी एक लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए उस काम को करने की यानी अगर एक माइनर है एक इंसैन है या एक शख्स है जो कि इंसॉलवेंट है क्योंकि जिसे कॉन्ट्रैक्ट से मना किया गया है तो चूंकि वो खुद वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता यानी उसकी लीगल कैपेसिटी नहीं है तो वो वो काम आ, एजेंसी के तौर पर किसी और को भी डेलीगेट नहीं कर सकता यानी एजेंसी उसी वक्त जायज है क्योंकि जबकि प्रिंसिपल के अंदर भी एक लीगल कैपेसिटी हो उसकी एक लीगल कैपेसिटी है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने की अगर उसकी लीगल कैपेसिटी उस कॉन्ट्रैक्ट को करने की नहीं है जैसे कि इनसेन है माइनर है तो ये अफराद किसी और को वो काम डेलीगेट एजेंसी के तौर पर नहीं कर सकते